जी मैं हूं नदीम सिद्दीकी मेट्रो 7 पाकिस्तान के साथ इस वक्त मौजूद हूं मैं नाजामाबाद ईदगाह ग्राउंड में और ईदगाह ग्राउंड में मेरे पीछे देख सकते हैं कि प्रैक्टिस हो रही है और नौजवान जो हैं वो प्रैक्टिस में मसरूफ़ हैं और ये मसरूफ़ यकीनन शहर कराची की गली कूचों में बाज़ जगह बहुत सारी जगहों पर यकीनन मैच तो देख रहे होते होंगे आप यकीनन ग्राउंड की कमी के बाइस लोग गलियों में और सड़कों पर मैच चाहराओं पर मैच खेल रहे होते हैं लेकिन अभी मेरे पीछे जो आप मैच देख रहे हैं ये मैच की खसूसियात ये है कि वो हार्ड बॉल से नहीं हो रहा बल्कि टेप बॉल से ये मैच का सिलसिला इस वक्त जारी है और इसमें खसूसियात बात ये भी है कि नए आने वाले साल के साथ साथ 2022 यानी 1 जनवरी को इससे टेप बॉल का बाकायदा जो टीम का इफ्तिताह है वो होने जा रहा है और ये अजगर अली शाह स्टेडियम में ये मैच होने जा रहे हैं और बताया जाता है कि 8 टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं। कौन कौन सी टीमें हिस्सा ले रही हैं जबकि इसके अलावा मैं आपको बताऊँगी इसमें एक टीम के जो सरबराह हैं यकीनन बड़ी हैरत ज़्यादा बात है कि ये लड़कों का गेम है लड़कियां भी खेलने शुरू कर दिया है लेकिन ख़ास तौर पे लड़कों को हैंडल करने के लिए हमारे साथ एक नौजवान सी बच्ची जो है वो मौजूद है और ये हमें मालूम हुआ है कि मलीर मलंग के नाम से इसे टीम को जो हैंडल करेंगी और यहाँ पर मानूर मौजूद है। मानूर जो है मानूर क्या कहेंगे बेटा आप यहाँ पर मौजूद हैं और इस हवाले से ये जिम्मेदारी है यकीन नौजवान लड़के तो हैं वो तो बिल्कुल बेकाबू होते हैं कंट्रोल में नहीं आते आपको किस तरह से आपने हिम्मत पकड़ ली और किस तरह से खेलेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि यकीनन लड़के बहुत जो है ना जो क्रिकेट में होते हैं उनमें बहुत जोश होता है बहुत जज्बा होता है लेकिन एज अ टीम ओनर जो मेरी टीम है मलीर मलंग मेरे कैप्टन और मेरे आइकॉन प्लेयर से भी मेरी यही बात हुई है कि आप जो है ना सबको अपॉर्चुनिटीज़ दें। हर लड़के में अच्छाई होती है हर लड़के में बुराई होती है लेकिन इस गेम के लिए हमें ख़ास तौर पे क्रिकेट के लिए हमें उनकी जो पॉजिटिविटी है उनकी अपॉर्चुनिटीज़ है उस पर फोकस करना चाहिए और जो उनकी कुछ चीज़ें होती है इसमें नोकझोंक हो जाती है वो बिल्कुल नेचुरल सी चीज़ है हमारा ह्यूमन बिहेवियर है वो लेकिन हमें उसको इग्नोर करके एक यूनिटी के साथ एक सब्र और तहम्मुल के साथ खेलना है क्योंकि हमने अपनी पाकिस्तानी इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ भी देखा है कि अगर हम लोग जो है ना सब्र और तहम्मुल से खेलें जो अगर आप किसी कोई मैन ऑफ द मैच है अगर आप उससे पूछें कि आप मैच कैसे जीते तो वो अक्सर आपको ये कहेंगे कि हमारी टीम में यूनिटी थी। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हमारी टीम में यूनिटी रहे हमारी टीम में वो बॉन्डिंग रहे हमारी टीम में वो हमारी टीम की लाइक ऑर्गेनाइज ऐसे हो कि जब हम साथ जाएं तो हमें कोई ना तोड़ सके हम जो है ना सामने वाले को हरा के ही वापस आएँ। देखिए तरीक़ेकार तो हमारा ऐसा है कि हमने तकरीबन कराची से ही सारे कराची और पूरे पाकिस्तान से सारे लड़के लिए हैं और कोई हमने जो है ना इंटरनेशनल प्लेयर्स और ज़्यादा बड़े प्लेयर्स के लिए नहीं गए हम हमने सारे वो लड़के लिए जो गलियों में खेलते हैं जिनके पास एक प्रॉपर ग्राउंड नहीं है हमने उनको अपॉर्चुनिटी दी है कि वो आके जो है ना स्टेप बॉल में खेलें ताकि उनकी आगे जो क्रिकेट उनकी फील्ड है जिसमें आगे क्रिकेट के करियर में वो और आगे जाएं क्योंकि टेप बॉल एक बेसिक है जिससे हम स्टार्ट करते हैं और अगर ये टूर्नामेंट अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह अगर हम जीत जाएं तो फिर हम जो है ना जो लड़के हमारी टीम में होंगे और जो लड़के जो अपोजिट टीम के भी होंगे उन सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो आगे जाके खेलेंगे। इसमें कोई महंगाई सस्ते की बात नहीं है सब महंगाई तो हो रही है सब वो चीज़ फेस कर रहे हैं और हमने उसी हिसाब से देख के जो है ना सबके लिए अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना प्लान करी। देखिए मलीर मलंग की सरबराह जो कि बता रही थी यकीनन के मौजूदा सूरत हाल यकीनन महंगाई की तो अपनी जगह पर है लेकिन पूरे पाकिस्तान से बल्कि पूरे कराची से हर इलाकों से लड़कों को लिया है ख़ासतौर पर मलीर मलंग नाम रखा गया। मलीर मलंग में जो मलीर के काफ़ी नौजवानों को जो कि खेलना जानते हैं खेलने के शौक़ रखते हैं और खेल की तरफ आना चाहते हैं तो उनको ही तरफ खसूस तवज्जो दी। एक छोटी सी बच्ची और भी खड़ी हुई है क्या कहते हैं बेटा क्रिकेट यकीन लड़कों का खेल है लड़कियां किस तरह से खेलेंगी क्या कहती हैं आप इसके बारे में? कैसी लड़कियां खेल सकती है ऐसी बात नहीं है कि जो काम लड़के कर सकते हैं वो लड़कियां नहीं कर सकती हैं। मैं यही कह सकती हूँ कि बहुत अच्छा कर सकती हैं मेरे बाबा ने सही अपॉर्चुनिटी दी है इनको। क्रिकेट TPL जैसे कि सबको पता है कि बहुत बड़ा इवेंट टेनिस क्रिकेट का होने जा रहा है तो उस सिलसिले में प्रैक्टिस मैच है ये नॉर्थ नवाब और अल सैद स्पोर्ट्स के दरमियान तो इंशाल्लाह तैयारी ये लियारी लेजेंड सॉरी उसके दरमियान हो रहा है और इंशाल्लाह तैयारियां बहुत ज़ोरों शोर से और अल्लाह पाक इस KTPL लीग को उरूज पर पहुंचाए। ये जो KTPL का टूर्नामेंट है ये यंग लड़कों के लिए एक मौका है तो इसमें हम सपोर्ट कर रहे हैं सारे जितने भी यंगस्टर हैं उनको उठाया हुआ है और उनको हम सपोर्ट करेंगे कि वो आए और अपना गेम पेश करें ताकि नए चेहरे लोगों के सामने आए। अच्छा बताना ये है कि KTPL में कराची की 8 टीमें हैं मुख्तलिफ़ इलाकों की जिसमें मलीर मलंग भी है उसमें लियारी लेजेंड भी हैं नॉर्थ नवाब भी है और गुलशन गुरु भी है DHA दबंग भी है तो अल्हम्दुलिल्लाह कराची के काफ़ी एरिए जो हैं वो कवर कर रहे हैं। ख़ास बात क्या है? ख़ास बात यह है कि इस KTPL में 80% लड़का जो है वो कराची का खेल रहा है। 2 गेस्ट प्लेयर हैं जो बाहर से आ रहे हैं उनको भी हमने मदू किया है जो मुख्तलिफ़ इलाकों थे मुख्तलिफ़ पाकिस्तान के शहरों से आ रहे हैं कि उसमें ज़रा एक कलर आए
लेकिन ज़्यादातर लड़का जो है वो कराची से लिया गया है। उसकी मेन वजह क्या है कि कराची में जितनी क्रिकेट हो रही है वो नज़र नहीं आ रही। अब ये गली कुचों की क्रिकेट जो है ग्राउंडों में आ रही है, ग्राउंडों से ये टीवी पे जा रही है और दुनिया इसको देखेगी कि ये भी हमारा एक ब्रांड है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि हमारा बच्चा जो है जो अब क्रिकेट से दूर हो गया है या जॉब की वजह से नहीं खेल पा रहा, हम आगे आने वाले दिनों में ये जितने प्लेयर बनेंगे इनको किसी न किसी कंपनी में एडजस्ट भी कराएंगे, इनकी नौकरियां भी कराएंगे कि ये वहां से भी प्रमोट हों और अपने लिए ज़िंदगी के लिए अपने हालात बेहतर करें। अच्छा देखिए मैं आपको तरीक़ेकार बताऊं, हुआ हुआ क्या है कि ग्राउंड कराची के तकरीबन बर्बाद हो गए, उसके बाद कुछ लोगों ने 10 साल में ग्राउंड लिए और बना दिए, बाकी बर्बाद ग्राउंड पड़े हुए। अब जब बर्बाद ग्राउंड है उनको लेने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने ग्राउंड लेके बनाए आज उनसे भी ग्राउंड छीने जा रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि शायद उस पर क्रिकेट हो रही है, उस पर इनक्रोचमेंट कोई नहीं है, लेकिन फिर भी लोग लगे हुए हैं उसके पीछे के जी शायद यहाँ से कोई कमाई का बहुत ज़रिया है। ऐसा कोई सिलसिला नहीं है, ये क्रिकेट जो खिलाई जा रही है, जो लोग खेल रहे हैं और जो लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं और जो इसको बना रहे हैं ग्राउंड को, उनके भी अपने पैसे लगे हुए हैं। ये नहीं है कि खाली ये सिर्फ कमाने का ज़रिया है, ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। ईदगाह ग्राउंड की मिसाल ले लें, यहाँ तीन क्लब हैं, तीन क्लब में एक लेडीज़ का बच्चों का क्लब है, लड़कियों का क्लब है, दो लड़कों के क्लब हैं जो पीसीबी से रजिस्टर्ड हैं। उनका हर किस्म का खर्चा जो है वो एसएमएस बर्दाश्त करती है। इस ग्राउंड को मेंटेन करने में जितने पैसे लगते हैं हम बर्दाश्त करते हैं। अच्छा अब बात आती है कि जी इस ग्राउंड से पैसे भी लिए जाते हैं जो मैचेस कराए जाते हैं। ग्राउंड का खर्चा उन मैचेस के पैसे लेने में बहुत कम है। वो जो आप पैसे लेते हैं उससे ग्राउंड बनता नहीं है। इस ग्राउंड को मेंटेन करने के लिए आपको हज़ारों नहीं लाखों रुपए की ज़रूरत है कि जो आप फीस मैच फीस से नहीं पूरा कर सकते, अपने पास से डालना पड़ता है। ये पैशन है, अगर आपको पाकिस्तान को सर्व करना है, पाकिस्तान को कुछ वापस देना है, तो ग्राउंड आपको बनाने पड़ेंगे, तैयार करने पड़ेंगे और उन लोगों को देने पड़ेंगे कि जो लोग ग्राउंडों से मोहब्बत करते हैं। आपको ये करना पड़ेगा वरना ये ग्राउंड बर्बाद हो जाएंगे। ये ग्राउंड केएमसी ले ले या डीएमसी ले ले, उनके पास स्ट्रक्चर है इसको चलाने का, फिर ये ग्राउंड की चीज़ें बिक जाएंगी, उसके बाद कौन आएगा इनसे बात करने के लिए, सब काम ख़त्म हो जाएगा। तो बेहतर यही है कि ग्राउंडों को आबाद करें और हॉस्पिटलों को बर्बाद करें। मलीर मलंकी के साथ ये बच्ची भी जो है वो ताउन है, यकीन इनकी बहन है छोटी और इनके बाबा ने इनके साथ बड़ा ताउन किया है और इनको हौसला बढ़ाने के लिए ख़ासतौर पे जो है वो मलीर मलंकी का सरबरा बनाया है ताकि स्पोर्ट्स की तरफ जो खेल कूद के सिलसिले हैं उस तरफ तवज्जो दी जाए ताकि नौजवान इस तरफ आएँ और ग्राउंड जो है वो आबाद हों, अस्पताल और जो दीगर खराफात है उसकी तरफ से लोग दूर भागें। जी